नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको अभी आपने न्यूज में न्यूज तो नहीं आप कह सकते, लेकिन अभी YouTube चैनल्स पर कई सारे YouTube चैनल्स पर आपने देखा होगा कि जो CET का जो मेन पेपर है, CET का जो मेन पेपर जो होना है, CET का जो मेन पेपर है कि क्या वो आपका स्थगित हो गया है, मीन्स आपका पोस्टपोन हो गया है या फिर होने वाला है, इस टाइप की न्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर कहीं पर आपने ये भी सुना होगा कि भी नहीं हो सकता। देखो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि भी आपका जो पेपर होना था वो 13 मई को होना था, 13 मई को आपका पेपर होना था। और ये बोला गया था कि भी जो फॉर्म भरने की जो डेट है, लास्ट डेट 5 अप्रैल होगी, ये आपकी लास्ट डेट बोली गई थी कि ये लास्ट डेट होगी। इससे पहले फॉर्म कब भरने अप्लाई हो जाएंगे, 10 दिन पहले होंगे, एक हफ्ता पहले होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन लास्ट डेट के बारे में बताएगा 5 अप्रैल। अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं कि आज लगभग 30 मार्च हो गया है, तो 5 दिन में कहां से हम फॉर्म भरेंगे, और अगर लास्ट डेट निकल गया तो इसका मतलब कि मई में पेपर नहीं होगा। देखो ऐसा सोचना, मतलब सोच तो आप कुछ भी सकते हैं, सोचने का है, इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस आधार पर अगर आप अपनी तैयारी को छोड़ दोगे या फिर अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे कि क्या पता होगा या नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ा मतलब कि खुद के साथ बेईमानी होगी। क्योंकि अगर आप पैटर्न को देखो ना, HSSC के पैटर्न को, 5 नवंबर को पेपर होना था, और 5 नवंबर को जो पेपर होना था उससे पहले भी सभी लोग बोल रहे थे कि पेपर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 नवंबर तक एडमिट कार्ड भी नहीं आए थे। 2 नवंबर या पता नहीं 3 नवंबर को एडमिट कार्ड आ गए, मतलब कि 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड करके भी पेपर ले लिया गया, तब भी बहुत सारे लोगों को शोक लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब भी क्या होगा कि भाई आपका 1 महीने के बाद आंसर किया आ गया, और 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट भी आ गया, मतलब प्रोसेस आपका ठीक है, हालांकि थोड़ा डिले है मेंस का जो पेपर भरने थे, जो फॉर्म भरना था उसमें, लेकिन आप इसके बेस पे अपनी तैयारी को मत छोड़ो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। और मान भी लो अगर पेपर 13 मई को नहीं हुआ, भाई मई जून में चला गया या जुलाई में हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो है ही, बल्कि और भी अच्छा है। तो इससे आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर 13 मई को है और कुछ ही काउंटेड डेज ही आपके पास बाकी हैं, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यूस कीजिएगा। और मेंस में जो नए सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कहां से पढ़ने हैं, कहां से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, आज ही मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको बेस्ट बुक लिस्ट आपको बताऊंगा। अगर आपने वो किताबें कर ली तो मेरे हिसाब से जो 20 से 25 नंबर का इन 4-5 जो नए सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो उनसे बाहर नहीं आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।